लेसन है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वही सारा मटेरियल, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है या यूजफुल गैस है जैसे ऑक्सीजन, और वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में मूव करने होते हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं, ये है आपका। तो अब वो कैसे मूव होता है, ये सारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का टॉपिक है। वी हैव लर्न्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फॉर देयर सर्वाइवल। हम जानते हैं सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोसेस परफॉर्म करती हैं जिंदा रहने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, दो तो आप पढ़ चुके हैं, डाइजेशन जिसे आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, एंड रिस्पायरेशन, है ना, ये सारा आप पढ़ चुके हैं। फॉर दिस वी नीड वेरियस यूजफुल मटीरियल्स लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब सारी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जितनी भी हमारी बॉडी में है उसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर चाहिए होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। अब जब ये यूजफुल मटीरियल हमारी बॉडी में यूज हो जाता है तो इसके बाद वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। अब ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो पॉइजन बन जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए दीज वेस्ट मटीरियल हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, उसमें जो यूरिया है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो पॉइजनस होता है। लोगों को जाना पड़ता है ना डायलिसिस पे, अगर वो डायलिसिस ना करवाएं तो वो मर जाते हैं, ये कारण होता है। अब आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी अभी आपने पढ़े हैं सारे प्रोसेसेस, उनमें हम सबसे पहले कहते हैं ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे ऑर्गेन्स हैं हार्ट, ठीक है, और वेरियस ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू हार्ट, यही सारा हम पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल आर कैरिड अराउंड द बॉडी बाय ब्लड। ये सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में कैसे जाती हैं, थ्रू ब्लड। जैसे हम शिप में, पानी में, नदी में, सी में, शिप यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, ऐसे ही हमारे नसों में ब्लड है लिक्विड, तो ये उसके थ्रू जाते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। वही जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड इज पम्प्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय हार्ट, और हार्ट है जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। हार्ट एक पंपिंग एक्शन है, मतलब फोर्स लगाता है। किसी भी चीज को चलने के लिए फोर्स चाहिए ना, आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो चलती है ना, ऐसे ही जो ब्लड है उसको चलने के लिए हार्ट एक फोर्स लगाता है, तो हार्ट जरूरी है। और फिर वो चलेगा किसमें, ब्लड वेसल्स। सो द हार्ट एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों मिलके बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे डिटेल में। ब्लड ब्लड जो है वो रेड कलर्ड फ्लूइड है विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। रेड कलर होता है, ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, इस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। दूसरे जो इंसेक्ट या कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो उनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता। एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज 4.5 टू 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। एक एवरेज पर्सन में, बड़ा जो हो गया एडल्ट पर्सन, उसमें कितना ब्लड होता है, 4.5 लीटर टू 5.5 लीटर। हमें भी इतना ही होगा ऑलमोस्ट, तुम लोगों में। ब्लड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर फंक्शन ऑफ ब्लड। डाइजेस्टेड फूड को सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल ऑफ द बॉडी। आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में रीड किया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनमें विलाई होता है, उन्हीं विलाई में सारा आपका डाइजेस्टेड फूड चला जाता है, एंड दीज विलाई आर कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स, और ये इसके थ्रू ब्लड में चला जाता है।
ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू बॉडी लंग्स, ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। लंग्स में एरियोरल करके होल्स होते हैं ना, जिनमें से वो जाता है, ये सारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल फ्रॉम रिमूवल ऑफ द बॉडी, और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे से रिमूव होते हैं। ये सारा काम करता है ब्लड। अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, एक फ्लूइड कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और एक सॉलिड कंपोनेंट है। और सॉलिड कंपोनेंट में क्या क्या है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें हैं, और इन तीनों के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी लिक्विड वाला पार्ट है जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड मीन्स विच फ्लो। इट इज येलोइश इन कलर। अब ये तो येलो कलर का होता है, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। एंड इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, और इसमें 90% वाटर है। प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब प्लाज्मा का क्या काम है, ये वाटर और बहुत सारे मटेरियल जैसे डाइजेस्टिव फूड, वेट मटेरियल और हार्मोन्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपको नहीं पता इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आप ये समझ लो इलेक्ट्रोलाइट्स आर वन टाइप ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं। जैसे आप नमक लेते हो ना NaCl, तो ऐसे और सॉल्ट्स भी होते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड इन कलर हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से तो टू सारे सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी सारे बॉडी के सेल्स को। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द लंग्स। RBCs are produced in red bone marrow of the bones. Important है। RBCs कहाँ बनती हैं? हमारे bone marrow में। और bone marrow कहाँ है? Bones में होता है। एक average lifespan जो है, यानी RBCs cell लगभग 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये disc shape होते हैं और small in size, size में छोटे होते हैं। Okay, अब हम पढ़ेंगे white blood cells. White blood cells colorless हैं। इरेगुलर शेप्ड सेल्स हैं, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। ये कम होते हैं लेकिन साइज में बड़े हैं आरबीसी से। हमारी बॉडी में आरबीसी ज्यादा है, ये कम है लेकिन इनका साइज बड़ा है। और इनका मेन फंक्शन है इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये वही है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और आजकल ड्यूरिंग कोरोना डेज इम्यूनिटी की बहुत चर्चा हो रही है ना। अब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होती हैं ये कलरलेस राउंड टाइनी सेल्स होती हैं जो बोन मैरो में बनती हैं। इफ अ पर्सन गेट इंजर्ड, अगर आपको चोट लगती है तो आप देखते हैं वहां चोट पे कुछ टाइम बाद ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है, जम जाता है ब्लड। वो किसकी वजह से होता है? इन प्लेटलेट्स की वजह से। अगर ये प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में नहीं है ना तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और आपके जो जहां पे आपको चोट लगी है ना वहां से आपका ब्लड फ्लो होता रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अ पर्सन गेट इंजर्ड देन द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कट और वाउंड एट द साइट ऑफ द इंजरी। वुंड से, कट से आपका वो बहेगा खून, तो द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी ये नहीं सहन कर सकती ना कि खून निकल जाए, तो आफ्टर सम टाइम डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड विच प्लक्स द कट, कट को जो बंद कर देता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। यही ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ओके, अब ये जो डिफरेंस बिटवीन का टेबल है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाया गया है यही सारा इसमें है।